तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप मेरा पहला और दूसरा ब्लॉग तो देख चुके हैं, अभी हमारा तीसरा ब्लॉग होने वाला है। और इस ब्लॉग में हमारे साथ हमारे फ्रेंड तनिष भी हैं, और इनको तो आप जानते ही हैं। झंडा लगा लो। अभी इस टाइम में झंडे लगा रहे हैं क्योंकि कल की है महाशिवरात्रि, और हम निकल पड़े हैं हरिद्वार की तरफ। अब हम आपको दिखाते रहेंगे कि कितना अच्छा सफ़र है और कितना मज़ा आता है। सफ़र बहुत सुहाना है। इस साल भी हम हर साल की तरह अपनी बुलेट लेकर आए हैं ब्लड से जाने के लिए। और ये हमारे भाई, हम गरीब हैं। बहुत तेज हवा चल रही है, हम खड़े हैं हाईवे पे, मुजफ्फरनगर वाले रास्ते से हम जा रहे हैं। झंडे देख सकते हैं कैसे लहरा रहे हैं भोले बाबा के। अब फोटो भी मैं खींचूं तो आप देख सकते हैं, खतौल्ले की नहर है। और ये फ्लाईओवर बहुत अच्छे बन गए हैं यहाँ पे। इस टाइम देख सकते हैं आप कितनी अच्छी रोडें बन गई है अब। और सामने देख सकते हैं आप जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी। हम यहाँ पे रुक गए हैं थोड़ा ढाबे पे, अब थोड़ा यहाँ पे ज़रा चाय नाश्ता करेंगे क्योंकि बहुत देर बाइक चलाते चलाते सब थक गए हैं। हमारे भाइयों को आप देख सकते हैं किस तरीके से थक गए हैं। और कांवड़ तो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा चल रही है, डाक कांवड़ भी आपको बहुत देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं ढाबे की तरफ। तो अब हम ढाबे पे रुक गए हैं यहाँ पे, और हमने मंगवाई है चाय, ऑर्डर करी है। और हमारे भाई हैं, ये चाय पी देनी है तो इसलिए हमने दो ही ऑर्डर करी है चाय। आज इनका फास्ट भी है, तो अब रास्ते में कहीं फल मिलेंगे तो हम इनके लिए फल वल रखवा लेंगे। और डाक का वो भैया का ढाबा दिखा दो, अब वहाँ से दिखा भैया को। भैया के हाय चल, भैया के ओके, यहाँ पे आओ तो यहाँ रुको। तो दोस्तों हमने पराठा और चाय ऑर्डर करी है, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पराठा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बड़ा भी खूब है, बहुत बड़ा भी दाल भी है, और दाल में अचार और दाल भी दी है इन्होंने हमें। अब हमारे भाइयों को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। चलिए वक्त भी थोड़ा खा के फिर बाद में बात करते हैं। तो दोस्तों खाना खा के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ चुका है, क्योंकि जो इनके पराठे थे वो बहुत ही बड़े थे। और मैं बता दूँ आपको, ये 50 रुपीज़ के अंदर आपको एक बहुत बड़ा पराठा, और थर्टी रुपीज़ में एक बहुत अच्छा बड़ा पराठा और दाल भी देते हैं, जिसका एक पराठा खा के ही आपका पेट भर सकता है। दिखा दिया, काफ़ी अच्छा पराठा था। और ये हमारे भाई, इनसे पूछ लीजिए कैसे एक्सपीरियंस रहा। फ्रिज प्लग लो। तो अब चलते हैं फिर अब यहाँ से, क्योंकि अभी हम सिर्फ रुड़की तक ही पहुंच पाए हैं। अब हमें रुड़की से आगे तक बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी सफ़र अपना तय कर सकें। हेलो भैया, कैसा लग रहा हूँ?
तो दोस्तों अब हमने मास्क लगा लिया है क्योंकि रोड पे बहुत ज़्यादा धूल मट्टी उड़ रही है, जिसकी वजह से मास्क लगाना हमें पड़ गया है, मास्क लगाना पड़ गया है। पर अगर मैं मास्क के साथ चश्मा भी अगर लगा रहा हूँ तो मेरी स्किन जो है, जो वैसे हम जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो लग जा रही है हमारी चश्मे पे, जिससे हमारा जो चश्मा है वो दिखना बंद हो जाता है। तो मैंने इसलिए चश्मा ऊपर लगा लिया है। अब तो हम चलेंगे और यहाँ पे सूरज ऐसे ढल रहा है जो कि व्यू देखने के लायक है। कांवड़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी कर रही है, आप देख सकते हैं डाक कांवड़ आते हुए पीछे मेरे, ये देखिए यहाँ पे चेंज हुई है ये, और ये पीछे इनकी डाक कांवड़ों का डीसीएम आ गया है। तो मिलते हैं बागे रोड पे, चलते हैं। जय भोले बाबा, जय शिव शंकर। ट्रैवलिंग करने का दोस्तों सही में रात का ही मज़ा है, और इस टाइम ज़्यादा ठंड भी नहीं है तो बाइक चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है लोगों को। बुलेट हमारी पूरा साथ देती है, हम जहाँ भी जाते हैं तो पूरा साथ देती है, एकदम दौड़ी दौड़ी चली जाती है, बहुत बढ़िया। हमारे भाई प्रपंच नहीं के बता से खाते हुए, पर इनको मज़ा ही नहीं आया पानी के बता से, पापड़ दे पापड़ी एक पापड़ी दे दो भैया, पापड़ी दे दो। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे बहुत तरीके के घाट बने पड़े हैं, अब तो मैं घाट के पास जाके आपको नाम बताता हूँ। ये आ गए हैं हम गोविंद घाट पे, अब तो मजा आ जाएगा चल के। ये देखिए पानी, अब आराम से बाइक वाइक पार्किंग में खड़ी करके फिर घूमेंगे। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखिए बच्चा, गोविंदपुरी हरिद्वार उत्तराखंड। तो हरिद्वार का समय ऐसा होता है ना, यहाँ पे ना कोई बड़ा होता है ना ही कोई छोटा होता है, जिसको जहाँ जगह मिल जाती है बस भोले का नाम लेके वहीं लेट जाते हैं। ये हम आ गए हैं मेन घाट की तरफ, देख सकते हैं आप पानी इतना साफ है कि अंदर के जो पत्थर है ना वो भी साफ चमक रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मैं कूद के दिखाऊं तो टीले बताने के
दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे शिवरात्रि वाले दिन। जय भोले। तो दोस्तों आज शिवरात्रि का दिन है। शिवरात्रि का दिन है? अरे हमें नहीं पता था शिवरात्रि का दिन है। और यहाँ पे और शिवरात्रि के दिन ही हमारे वकील साहब के जूते चोरी हो गए हैं। रात को किसी ने इनके जूते उठा लिए। अब कमेंट भर भर के करें कि जूते कहाँ हैं इनके। नहीं अपना लगा दें कि हाँ रजिस्टर करवाएं। हाँ रजिस्टर। अब भाई साहब हमारे नंगे पैर घूमते हुए जूते चोरी होने के बाद। और ये आप देख सकते हैं सुबह हो गई है। पानी काफ़ी ही ज़्यादा हद तक साफ़ है। और अब हमारे भाई लोग नहाने की तैयारी में हैं। बताओ कुछ तो बोल दो भाई। बहुत ठंड है। जूते छूट चुके हैं और ठंड भी इनको लग रही है। व्यवस्था एकदम डगमगा चुकी है इनकी। मार्केट की तरफ बड़ी भीड़ है। आप वो देख सकते हैं सामने घंटाघर भी है। यहाँ पे क्या है? नंगे पैर जाएंगे मंदिर है वहाँ पे। तो अभी हम दूसरी साइड से इधर की साइड आ गए हैं। सिकंजी पी लो भाई। सिकंजी पी लो। सिकंजी पिलवा रहे हो तो कि इनके दो पीस चोरी हो। जिसको भी पीना संपर्क करें। भैया यहाँ पे कुछ बता चल ना भाई। नाले वहाँ पे खड़े होकर नहालेंगे। लोंडे नहाले वो। स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पर बड़ी जोरों के साथ चल रहा है जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और अब हम नीचे की तरफ आ गए हैं। ये जैसे कि देख सकते हैं बीच में जाया जाए हल्की सी डुबकी ली जाए आधी पर यहाँ से लौटा ले लो बोले था। अरे इधर से चल लेते ज़्यादा गहरा थोड़ी ना भैया।
और ये पहाड़ देख सकते हैं आप पीछे, ये सब पहाड़ है, पुल के ऊपर जो दिख रहा है इधर बीच में नाले में ऐसे जैसे लड़के नहा रहे हैं। क्या उधर ही चले लोगों के साथ ही? हाँ उधर सामान रखे हैं, ये पन्नी पीछा चले यहाँ पे। बाबा मजे ले रहे हैं, बाबा बैठे हैं ऐसे टब में बैठे पड़े हूँ। ये साक्षात ऊपर से अवग्रहित हुए हैं। हाँ तो उधर भाई उधर कपड़े होता है ब्लॉग बन रहा, कभी रंग आ जाए कल देखा था देखा तो चलिए नहाना चालू कर दे। ऊपर कौन सा मंदिर है? वो मनसा देवी का मंदिर है। मनसा देवी मंदिर, हाँ वहाँ पर लंबी लाइन लगती है भाई, बहुत लंबी है भी तो बहुत ऊंचा हो यहीं से देख रहा हो पास में क्या होगा अंदर जाके। मनसा देवी मंदिर है वो, रहेंगे नहीं नहीं रहेंगे बाबा तो बैठ ही गए भैया दम के हाथ तेरी मौज ले रहे हैं बाबा बीच में मत बैठ जाना कहीं पानी के साथ तुम भी बह जाओ बैग गिर गया। तो दोस्तों अब हम नहा लिए हैं, अब हम चलेंगे पहाड़ की तरफ क्योंकि अब थोड़ा जल वल भर लें, जल की केन रख ली हमने। बाल बहुत खराब हो गए हैं क्योंकि अभी नहा के निकले हम, और वहाँ वाले भाई पीछे आते हुए कहाँ रह गए, और हमारे तरीक बोले कुछ तो बोलो। हम कुछ ना बोलते, हम डाकू बने डाकू बोले बेटे तेरे सिक्के भी जा रहे हैं रुद्राक्ष के कटोरों में। देखिए कि टेस्टिंग कैसे होती है रुद्राक्ष। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड तो वीडियो मिलती ही है, बाकी आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो भी मिलती ही रहती है।
जो आपके पर्सनल फाइनेंस को और मजबूत करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली होती हैं। तो दोस्तों अपना प्यार हमारी वीडियो को बरसाते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो की और लेके जाएं, ताकि और भी लोग अच्छे अच्छे नॉलेज को ले सकें और उनसे कुछ आगे सीख सकें। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। कहीं भी ना चल ले, देख तो ले। बर्गर उत्तराखंड का बर्गर यहीं पे लगाते हो भैया? अच्छा अच्छा, सामने की तरफ ये भोले बाबा की मूर्ति के सामने बना दे। जो शिव मूर्ति है बड़ी वाली, पहले दिखाओ वाली। और दिखा, पिक्चरों में दिखाई जाती है शिव मूर्ति वो वाली, उसके पास भैया खड़े होते हैं। भैया के पास आओ और भैया का ही खाओ। तनिष भाई भी खा रहे हैं यहाँ पे आगे। एक चटपटा सा चाट मसाला भी डालते होंगे सब? सब डालते हैं। चाट मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया, मिर्च वेज, टमाटर वमाटर। बर्गर निकल गए हैं। और ये ऑफिशियल तेल निकला नहीं निकला बुलेट में? सर बिल्कुल हरी मिर्च चटपटा ज्यादा खाने में शौक है हमारे बच्चों का। और ये तैयार बन गया, सुने खाएगा। और ये ऊपर साड़ी में चलवाते बर्गर आपको भोले बाबा खुश नहीं है तुमसे। और ये क्या, यहाँ पे हमारे तनिष भोले का जल बिखर गया है। अब हम जल को छोटी छोटी बोतलों में, पानी की नल जो बोतल होती है उसके अंदर डाल लेते हैं। दुर्घटना भी देखनी चाहिए इसके अंदर।